देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन के प्रूफ करना है किसी पैरेलल प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्टेंसिंग द सर्कल इज अ रोम्बस यानी कि सर्कल के ऊपर कोई पैरेललोग्राम बना है तो वे रोम्बस कहलाता है ये कहना है। तो बेसिकली हमें इसके अंदर सर्कल के चारों तरफ की जो साइड है वो हमें एक स्क्वायर प्रूफ कर देनी है यानी कि एक तरीके से पैरेललोग्राम प्रूफ कर देनी है। वो कैसे करेंगे कि वो चारों साइड अगर इक्वल हो गई एक दूसरे के तो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम के ऑटोमेटिकली रोम्बस बन जाएगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे तो कई बार आया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखेंगे। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे इसके अंदर। तो डायग्राम क्या बनेगा, एक सर्कल बनाइए जिसके अंदर इस तरीके से ऐसे चाहे तो ऐसे बना दीजिए इसको, ये बना दिया मैंने। तो कुछ रोम्बस टाइप बनना चाहिए ए बी सी डी। तो जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था आई थिंक उससे पिछले से पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या प्रूफ किया था कि एबीसीडी एबीसीडी के अंदर हमने प्रूफ किया था एबी जो है वो सीडी के इक्वल है, ये प्रूफ करना था यानी कि एबी प्लस सीडी इक्वल टू एडी प्लस बीसी प्रूफ किया था। तो अभी हमें यही प्रूफ करना है इसके अंदर सेम मेथड से सबको सेम करेंगे। तो मैंने इसको सेंटर मान लिया, वही सारे प्रोसेस लगानी है कि अगर मैं इसको पी क्यू आर एस मान लेता हूं तो अगेन बीपी और बीक्यू इक्वल है एंड सीक्यू और सीआर इक्वल है, सेम डीएस और डीआर इक्वल है एंड एएस एंड एबी इक्वल, क्योंकि सब क्या है टेंजेंट है और इक्वल टेंजेंट है। तो लिख देंगे सिंस यहां पर लिखेंगे गिवन एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम इज ठीक है। अब टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रोम्बस प्रूव करते हैं इसका फटाफट से। तो जनरली इसके अंदर वही सारी चीज लिखेंगे बीपी प्लस बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, एपी इज इक्वल टू ए एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस एंड सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये सब लिख देंगे और अगेन सबको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो अगर आप देखें तो बी पी प्लस ए पी प्लस डी आर और प्लस सी आर इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस ए एस प्लस डी एस और प्लस सी क्यू। तो बी पी और ए पी अगेन ए बी और प्लस ए सी डी इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये प्रूफ हो जाएगा है ना। ये तो प्रूफ कर दिया एक हमने प्रॉपर्टीज की। अब यहां पर क्योंकि पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड तो इक्वल होंगी इसकी, तो पैरेललोग्राम के अंदर हम क्या कर देते हैं यानी AB को DC के इक्वल कर देते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं AB की जगह पर DC और इसकी जगह पर CD, इसको भी सीडी लिख देते हैं क्योंकि ए बी सी डी इसलिए है, रीजन भी इसके आगे लिखेंगे हम और साथ ही साथ बीसी और एडी को भी लिख देता हूं एडी प्लस एडी है ना। तो यहां लिख देंगे टू सी डी इज इक्वल टू टू एडी, टू टाइम्स सी डी इक्वल टू टू टाइम्स एडी, टू से टू कैंसिल सी डी इज इक्वल टू एडी हो जाएगा। एंड सिमिलरली CD और AD इक्वल है यानी कि CD और AD इक्वल है तो सिमिलरली BC और AB भी इक्वल हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू AB लिख देंगे हम सेम कंडीशन से है ना। अच्छा यहां रीजन जरूर दे दीजिएगा इस चीज का कि AB इज इक्वल टू CD इसलिए है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो यहां लिख देंगे BC इज इक्वल टू AD क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो AB CD इस ए पैरेललोग्राम ये गिवन है क्वेश्चन में है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AD, तो ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगी जिस वजह से क्या हो जाएगा कि ABCD इज ए रोम्बस प्रूफ हो सकता है।
रोमबस की खासियत ये होती है कि उसकी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल मानी जाती है, ठीक है ना।